हेलो एवरीवन, शोभा की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने शेयर करने जा रही हूँ आलू और लहसुन की भुजिया, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और ये बहुत ही स्पाइसी मसालेदार भुजिया है। सफ़र में भी इसे ले जा सकते हैं, रोटी के साथ, चपाती के साथ या फिर दाल चावल के साथ, बहुत ही यमी लगते हैं खाने में। तो इसे हमने किस तरह से बनाया है और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का घंटी वो प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई मैं न्यू वीडियो डालूँ तो आप तक आसानी से नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर हमने मीडियम साइज के आलू का यूज किया है और ये 500 ग्राम आलू है। अगर आपके पास छोटे आलू हैं तो उससे भी अच्छे भुंजिया बन सकती है। तो इसे अब हम अच्छे से छील लेंगे, सारे छिलके को हम आलू का उतार लेंगे और इस तरह से देखिए सारे आलू को हमने छील लिया है। तो हमें आलूओं को दो भाग में इस तरह से कट करना है और इसके बाद हम जो ऊपर का पार्ट है उसको हम दो पार्ट में भाग करेंगे और इस तरह से मोटे मोटे हमें रखना है, ज्यादा पतला भुजिया नहीं बनाना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने मोटे मोटे पीसेस में भुजिया को काट लिया है और हम भुजिया को काटते जाएंगे और पानी में डालते जाएंगे क्योंकि ये अगर बाहर छोड़ेंगे तो काले पड़ जाएंगे, पानी में अच्छे से वाइट ही रहेंगे। तो भुजिया को हम काटते जाएंगे और डायरेक्ट हम पानी में डालते जाएंगे। यहाँ पर हमने एक बॉल में पानी ले लिया है, अब इसमें हम सारे पीसेस को कट करके और डाल देंगे। हम इसे अच्छे से धो लेंगे, धो करके इसे हम छान लेंगे, इसका सारा पानी हम सुखा लेंगे कपड़े से, या फिर आपके पास छलनी है तो उसके मदद से भी आप इसे अच्छे से सुखा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने सारे आलूओं के पानी को अच्छे से निकाल लिया है और इसे सुखा लिया है। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। आलू फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर एक कढ़ाई चढ़ा दिया है गैस पर, उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल। सरसों के तेल में बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं भुजिया। अगर आपके पास जो भी अवेलेबल है तेल आप वो यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर सरसों का तेल है तो उसे आप जरूर डालिए। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा और 2 लाल मिर्च। तो जीरा हमारा लाल हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए आलू। तो हमने सारे आलूओं को डाल दिया है, अब हम इसे चम्मच से चलेंगे। तो हमें इसे ऐसे ही धीमी आंच पर चलाते हुए पकाना है। आलू हमारे आधे पक चुके हैं, आप देख सकते हैं ब्राउन हो गए हैं, इनका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। तो सूखे मसाले में हमने यहाँ पर लिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर। नमक अभी हम इसमें नहीं ऐड करेंगे क्योंकि जब हम नमक डालेंगे, नमक से हमारे भुजिया नमी हो जाएंगे और ये अच्छे से कुरकुरे नहीं बनेंगे। तो जब तक हमारा आलू फ्राई नहीं होता है इसमें हम नमक नहीं ऐड करेंगे। तो सूखे मसाले हमने ऐड कर दिया है। अब साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे हम बीच में डालेंगे ताकि अच्छे से आलू के साथ लहसुन का पेस्ट भी भून जाए। और इसे अब हम चलाएंगे 2 मिनट तक धीमी आंच पर। तो इस तरह से देखिए 2 मिनट हमने भुजिया पकाया है और भुजिया हमारा लगभग पक चुका है। अब हम इसमें नमक ऐड कर देते हैं। 1 चम्मच हमने यहाँ पर नमक डाला है, आप अपने हिसाब से नमक को ऐड कर सकते हैं। नमक डालने के बाद अब हम गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर इसे हम 5 मिनट तक भूनेंगे। ये देखिए हमारे भुजिया बनकर के तैयार है और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही स्पाइसी बने हैं। आप लोग भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। तो एक बार हम भुजिया को चेक कर लेते हैं कि भुजिया हमारा अच्छा से पका कि नहीं। तो देखिए भुजिया हमारा अच्छे से पक गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे हम
प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने एक प्लेट में सर्व कर लिया है, आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही यम्मी लगते हैं रोटी के साथ और दाल चावल के साथ, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल में न्यू विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फैमिली मेम्बर दोस्तों में जितना हो सके शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।